نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين खसूस अला सईदल सईदना मोहम्मद वाला अली वब अ वही अजमाइन अलाउम अम्माबाद इस वक्त खुदा पाक के फगल वक्रम और तबलीगी जमात के मेहनतों से दीन की जानब जो आम तवज्जो हो रही है जिसमें ख़ास तौर से जवान तबका बहुत ज़्यादा मुतव है इनके मुतालिक अहबाब के जरिए ये बात भी मालूम हो गई कि वो सुन्नत रसूल अला साहिबिहा अल्फ अल्फ सलाम काशिदाई और आशिक होता है और अपनी जवानी की पूरी ज़िंदगी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की सन्नतों और इस्लाम के पाक और सादा तरीक़ों के मुताबिक गुजारना चाहता है इन जवानों के लिए सबसे अहम मसला जवानी की हिफाजत और शादी ब्याह के पेश आने वाले मामल और ख़ानगी ताल्लुकात होते हैं और चाहते हैं कि इस किस्म की दीनी किताबें और मजहबी मालूम से पुरमज रिसालों का मतलब किया जाए लेकिन इसे इतफाक इतफाक कहिए कि मंगनी शादी ब्याह और फी, फिर बीवी के साथ होने वाले अंदरूनी व वमा, मामल पर मुश्तमिल कोई अच्छा रिसाला मौजूद नहीं है नतीजतन जब शादी वगैरह का मौका आता है तो गैरों की किताबें देखनी पड़ती हैं जिनमें इंतहाई फ़हश मजामीन और अखलाक सोच बातें होती हैं दोस्तों का इसरार था कि इस मौ पर दीनी मिजाज के मुताबिक कोई रिसाला नौजवानों के सामने आई आए तो बहुत अच्छा है ताकि गैरों की किताबें देखने की जरूरत ही पेश न आए और ज़िंदगी रसूल्ला वसम की सुनतों के मुताबिक गुजार सकें दोस्तों की ये ख्वाहिश बहुत उम्दा और मुनासिब थी और उनकी ख्वाहिश का एहतराम मेरे ज़िम्मा ज़रूर था मगर इब्तः में तबीयत को काफ़ी तरद रहा फिर इस मौजू पर मजामी की तैयारी बड़ा मसला था खून जबकि इस किस्म की बेहतर, बेहतर किताबें भी मयसर नहीं लेकिन इसका एहसास जरूर रहा कि गो अनोखा मौजू है मगर जरूरत ऐसे रिसला की बहुत है और क्या बीद की सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसम को जिंदा करने की जो बिशारतें दी गई हैं इनमें शिरकत हो जाए और सहादत दारेन का ज़रिया बने अल्लाह ताला के व करम पर अतमाद किया उसने दस्तगरी फरमाई और बड़ी कोशिश के बाद ये रसाला तैयार हुआ अल्लाह ताला मेरी कोताही को, को दरगुजर फरमा कर रसाले को कबूल फरमाए और तमाम लोगों के लिए मुफीद बनाए وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ